नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ कैसियो सीटी के 2550, जो कि काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। बहुत ही कम प्राइस में एक बिगनर जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत ही कम प्राइस में है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग कैसियो सीटी के 2550 का। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको कीबोर्ड के साथ और क्या क्या मिलता है। तो ये रहा उसका कुछ मेन्यू कार्ड, जो कि अपना किसी काम का नहीं है, और ये स्टैंड है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगता है तो अभी इसका हमें काम नहीं है, और साथ में मिला हमें एडाप्टर। तो चलिए देखते हैं इसे ऑन करके और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसका अंदर का व्यू कैसा है, और आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कितने प्राइस में मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको एक अच्छा खासा कीबोर्ड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं इसे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कैसियो सीटी के 2550 न्यू कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा लुक में है ये, और इसे उन्होंने जिसका भी कीबोर्ड है प्रॉपर लेमिनेशन करवा लिया है, ताकि कोई भी स्क्रेच वगैरह ना आए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और ये डुअल स्पीकर दिए है इसमें, यहाँ में आपको काम मिलेगा 60 सॉन्ग बैंक, 100 रिदम, 400 टोन और 50 डांस म्यूजिक। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्ले करके देखते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक कितने प्राइस में अवेलेबल हो पाएगा। तो दोस्तों, मैंने एडाप्टर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है पावर बटन, ये आप सिंबल देख सकते हैं पावर का, तो इसे प्रेस करते हैं और ये है हमारा ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी टोन बजा कर देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपना, ये वॉल्यूम फुल हो गया, देखिए 1 से 6 तक का दिया हुआ है, तो जब 0 करेंगे वॉल्यूम तो इतना रहेगा, और बढ़ाते हैं इसको फुल करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा साउंड है स्पीकर का, काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। तो चलिए कुछ प्ले करके देखते हैं इसमें, और कौन कौन से टोन इसमें अच्छा अच्छा है वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कीपैड बना हुआ है, तो यहाँ से आप जो अपना टोन है उसे आप ये प्लस माइनस करके आगे पीछे कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है सिलेक्शन का टोन बैंक, रिदम बैंक और ये सॉन्ग बैंक। तो अपन लोग पहले टोन चेक करते हैं, तो मैं प्लस के माध्यम से आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, देखते हैं। ये स्ट्रिंग पियानो का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी लग रहा है मुझे कम बजट में, है ना। तो देखते हैं और कौन कौन सा टोन है, वाइब्रो, सॉफ्ट वाइब्रो, एकॉर्डियन, काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है ये भी अपने बजट के हिसाब से, फिंगर बास, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। पिक बास, वायलिन का टोन दिया हुआ है, ठीक है ये भी, जो एक बजट है उसके हिसाब से जो इसका टोन क्वालिटी लग रहा है मुझे, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इससे लगभग कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम अपना निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा खासा कीबोर्ड हो सकता है आपके लिए, अगर आपको एक नया कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो सीटी के 2550 ये ज़रूर खरीदे, और ये आपको मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में लगभग 9000 के आसपास आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा।
और इसमें कौन कौन से टोन है देखते हैं। स्ट्रिंग का टोन आ गया ये, जो भी बजट है उसका उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। तो दोस्तों अगर आप ये कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको ये कीबोर्ड जरूर खरीदना चाहिए, बिगनर लेवल के लिए सीखने के लिए कम रेंज में काफ़ी अच्छा आपको इसमें क्वालिटी और टोन क्वालिटी और दो अच्छे खासे स्पीकर मिल जाएंगे। और इसकी कीस की क्वालिटी भी अच्छी है, उतनी तो नहीं है जितनी रोलेंड की होती है या होनी चाहिए अच्छी, लेकिन अच्छी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।